हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब्स वाले भैया। और मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है BECIL, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, और साथ में फ्रेंड्स AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लिमिटेड, मतलब कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है, PSU है। BECIL तो फ्रेंड्स मिनी रत्ना कंपनी है, यानी कि बहुत ही अच्छी एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैकेंसी आपको बताने वाले हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक वैकेंसी है ये सुपरवाइज़र के लिए है, जो कि आपका ग्रेजुएशन वालों के लिए है और नॉर्मली कोई भी अप्लाई कर सकता है। और एक वैकेंसी है फ्रेंड्स लोडर, या फिर आपको बताएं हैंडीमैन। तो हैंडीमैन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें एक रूम के अंदर कहें, एक हाउस के अंदर कहें, मतलब अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके रखता है। या फिर लोडर, आपने तो देखा है कहीं किसी व्हीकल में अगर कुछ लोड करना हो, कोई सामान को इधर उधर करने वालों को लोडर बोलते हैं। तो ये वैकेंसी निकाली गई है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। वैसे तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यहाँ पर जाएंगे आप और बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है पब्लिक सेक्टर यूनिट में। फ्रेंड्स जो मिनी रत्ना और महारत्ना कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे अगर आपको करियर बनाने का मौका मिलता है, वहाँ पे ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, भले ही आपको कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर परमानेंट पोस्ट हो। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिनों तक के लिए है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको कंडीशंस वगैरह जो भी है वो क्लियर करके वो लोग बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होके सबसे ज़्यादा जॉब अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आपको, सबसे ज़्यादा YouTube पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जॉब अपडेट्स देने की। डेली फ्रेंड्स एक दो तीन तीन जॉब अपडेट्स आपको देंगे, ताकि आप लोग भी अपना करियर कहीं शुरुआत कर सकें फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि सुपरवाइज़र और यहाँ पे लोडर और हैंडीमैन की वैकेंसी है BECIL में, तो पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पे वैसे यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडीमैन और लोडर, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स रखी गई है, 45 साल तक के अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल है आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, केवल 8th क्लास पास यहाँ पे मांगा गया है, साथ में आपको हिंदी लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज, यानी कि सूरत की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंड्स गुजराती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मस्ट आपको गुजराती आनी ही चाहिए, हिंदी भी जानते हैं अगर आप इच्छुक हैं वहाँ पे अप्लाई करने के तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो इंग्लिश को पढ़ने आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो रिटन लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस शो करते हैं तो ये ऐच्छिक है, ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो यहाँ पे आपका बेनिफिट होगा आपको और आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 28 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है लोडर और हैंडीमैन के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि हैंडीमैन जो सुव्यवस्थित करके सारी चीज़ों को रखे, और लोडर फ्रेंड्स जो चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन का काम करे इधर से उधर, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स AAI जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए ये वैकेंसी निकली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स, जहाज से जो सामान आती है, एरोप्लेन से जो सामान आती है, या कोई भी सामान को ट्रांसपोर्टेशन करना इधर से उधर, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम मिलने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, अगर 8th क्लास वालों के लिए तो यहाँ पे 14,014 रुपये है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करेंगे कि मैंने 10th किया है, 12th किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर आपने 10th 12th किया है तो आपने 8th क्लास भी ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं सुपरवाइज़र के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 30 ईयर्स, ठीक है। अगर आप 30 साल तक के हैं कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज है, यहाँ पे डिज़ायरेबल है, ऐच्छिक, मतलब कि आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो बेटर है, अच्छी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके पास होनी चाहिए, तो और इनको उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा जॉब में, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी वही बात है, अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा देते हैं सुपरवाइज़र का कहीं भी किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान में अगर आपने काम किया है, तो यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पे बढ़ जाएगा। बात करें फ्रेंड्स पोस्ट, यहाँ पे सूरत के ही अंदर गुजरात में 9 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे सैलरी की बात कर ले तो 18,564 यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। डेट की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 30 जुलाई जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे 30 जुलाई से पहले आपको सबमिट फॉर्म कर लेना है, पूरी ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप की जा रही है, ठीक है। इसका जो वेबसाइट है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
कॉम पर आपको जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आप लोगों को भी फ्रेंड्स जॉब जल्दी मिल पाए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स फ्रेशर हैं या फिर जॉब की तलाश में है तो उनको हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंड कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स, तो बात बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं आगे इसमें क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको ओपन नहीं किया गया है। अगर ज़्यादा आवेदन आता है तो हो सकता है कि इंटरव्यू लिया जाए, एग्जाम लिया जाए, नहीं तो यहाँ पर अगर आवेदन उतना अधिक नहीं आता है तो नॉर्मली यहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, साथ में यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये यहाँ पे अप्लाई पे करना है, ओबीसी हैं जनरल हैं दोनों को 750, महिला को भी 750 लगेगा। अगर विकलांग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फ्रेंड्स 450 रुपये लगेंगे। अगर विकलांग कैंडिडेट हैं या एससी हैं या एसटी हैं, तीनों विकलांग एससी और एसटी को यहाँ पे 450 रुपये लगेंगे। और आप चाहते हैं जैसे कि आप ग्रेजुएशन पास हैं और आप चाहते हैं कि लोडर वाला जो है पोस्ट वो भी अप्लाई करें तो आपको एक्स्ट्रा 300 रुपये और पे करने होंगे। ठीक है, तो यही कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिकली समझा दी हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो इसका पूरा प्रोसेस स्टेप्स दिया हुआ है वो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा दिया है 7 स्टेप्स में। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो किसी साइबर कैफे पे जाके आप फिलअप करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही छोटा सा अपडेट आपको देना था आज के वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए डेली जॉब अपडेट्स के लिए रोज़। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स हमारा इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।